सर अभी जैसे कि हम लॉकडाउन फेज 3 पे है और ग्रीन जोन पे है, तो काफ़ी सारे एग्जेम्प्टेड हो, रिलैक्सेशन हो गए हैं इस पर मास्क पहनना है, तो देखा जाए तो पब्लिक अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, ये पब्लिक अगर ये सोच रहे हैं कि अरुणाचल ग्रीन जोन है तो अभी कोई रिस्क नहीं है, ये बहुत गलत आपका थिंकिंग होगा। मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ और थोड़ा कॉशन देता हूँ कि अभी हमारे बच्चे लोग और यूथ्स लोग जो बाहर में स्टैंडर्ड थे, स्टूडेंट है, और कोई कोई मेडिकल केसेस में बाहर गए थे, और कोई कोई जॉब में भी है, तो इन लोग बाहर से बहुत आने वाला है और बहुत लोग आ भी गए, दिल्ली से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी बसेस में आ रहे हैं, और सुनने में आया कि चेन्नई से भी निकल गए। तो इसलिए आप लोग को मैं सावधानी बरतना चाहता हूँ कि देखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये वायरस और एक तो इसमें और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंडिया में जितने भी पॉजिटिव केसेस है उसमें 80% कोई सिम्टम नहीं दिखाते, यानी कि मैं भी वायरस होके भी ऐसे घूम सकता है और मैडम भी वायरस होके भी घूम सकता है, तो आपका कोई साथी भाई भी वायरस होके भी ऐसे घूम सकता है। तो इसलिए आप हर आदमी को सस्पेक्ट करो कि इनका पास वायरस होता होगा, इसलिए आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो मैंने सोशल मीडिया में देखा है कल वो पेप्सी गोदाम है हिम इंटरनेशनल स्कूल के सामने, वहाँ भी बहुत क्राउड हुआ बोला, और बैंक्स में सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं है बोला। तो मैंने बैंक्स को फ्राइडे को एक चिट्ठी लिखा था, उसमें मैंने कुछ सोशल डिस्टेंसिंग पर और क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए कुछ बातें लिखा था। एक तो क्राउड अवॉइड करने के लिए बैंक्स में मैंने ये लिखा है कि जितना भी सेक्टर्स में ATM से उसको बढ़ के रखे ताकि लोग कैश के लिए ना आए, और जितना भी ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है उनको भी ऑपरेशनलाइज करना है, ताकि उसमें जितना भी पासबुक अपडेट करना है और कम अमाउंट में 20-30,000 का निकालना है डालना है वो कर सकता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, और 50-60 अगर ऑपरेशन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक तो मैंने ये भी लिखा है कि मोबाइल ATM गाड़ियों में ATM लेके जो घूमता था पहले वो भी करने से ठीक है सभी बैंकों को, सिर्फ SBI को नहीं बोल रहा हूँ, सभी बैंकों को। उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि आपका जितना भी बैंक्स का स्टाफ है, क्योंकि उनका 50% स्टाफ आने का है, तो बाकी जो 50% जो है वो सेक्टर में घूमिए, वो मोबाइल बैंकिंग का काम कीजिए, उसमें आप कुछ ऐसा करके ले जाइए प्रिंटर लेके उनका जो अपडेटिंग कर दीजिए पासबुक का। और इसका साथ हमारे जो पब्लिक लोग कुछ लोग नहीं जानते हैं नेटवर्क बैंकिंग, नेट बैंकिंग, और जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस बहुत है, ऐप्स बहुत है, उनको भी थोड़ा सिखाइए, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, दुनिया भर का है ना, मुझे भी इतना पता, मैं तो गूगल पे अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सब सीखना चाहिए ताकि बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं थी। बैंक जाने से आपको वायरस भी लग सकता है और आपका तेल भी खर्चा है, टाइम भी वेस्टेज है। तो इसलिए मैं तो बहुत दिन हो गया बैंक नहीं गया, एक साल जैसा हो गया, तो पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और DC साहब ने भी एक लेटर लिखा है सभी जितने भी दुकान से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराइए रास्ता, उसमें सभी में मार्किंग कीजिए, बैंक में भी हमने लिखा है मार्किंग करें, सभी में मार्किंग करें, क्यू बना के रखें, और कुछ बैंकों में SBI में हमारा पुलिस डिप्लॉयड ऑलरेडी, कुछ बैंकों में नहीं है, और डिप्लॉयड हो या ना हो बैंक वाला अपना स्टाफ को भी लगाइए ताकि वो सब लाइन में खड़ा रहे। और एक तो मैंने बैंक को सजेस्ट ये भी किया है कि कस्टमर हर दिन आने का ज़रूरत नहीं है, तो हर कस्टमर को 1 वीक में एक मौका दे दो। उसका तरीका हमने ये सजेस्ट किया है कि जिसका पासबुक का लास्ट डिजिट, अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट 1 और 2 हो उसको मंडे को जाने दो, 3 और 4 हो ट्यूसडे को, 5 और 6 वेडनेसडे को, 7 और 8 थर्सडे को, एंड 9 और 0 फ्राइडे को, इस तरह का भी कुछ स्टेगर करके आने दो ताकि क्राउड कम हो। उसमें ऐसा होने से क्या आपका हर दिन में 20% कस्टमर ही आने का चांसेस है, उसमें क्राउड कम होगा। और इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी हम सुबह से लेकर हम लोग मीटिंग कर रहे थे, और अभी UPI में भी हमारा जो स्टेडियम बना है उसको भी हम लोग स्टैंड बाय क्वारंटाइन सेंटर, अगर PSQ हमारा जो PTC में जो चल रहा है उसमें कोई पॉजिटिव निकल गया तो फिर वहाँ में नहीं रख सकते, कहीं और रखना बोल के हम लोग बहुत ट्राई कर रहा है, और लेकी में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी हम लोग ईटानगर में जितना होटल्स है जहाँ से जो थोड़ा क्राउडेड प्लेस से आवे हो, कोई डेंजर ना हो और जहाँ में सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, और पूरा लिस्ट बना के हम उसमें भी
बाहर से आने वाला को हम लोग एकदम बंद करके रखने वाला है, क्योंकि हमारा यहाँ लोग होम क्वारंटाइन बोलने से सिम्टम नहीं होने से भी, होम क्वारंटाइन बोलने से भी नहीं सुनते है। तो हम लोग ने स्टेट कैबिनेट ने भी डिसाइड किया है और हम लोग ने भी डिसाइड किया कि जितना भी बाहर से आता है 100% गवर्नमेंट क्वारंटाइन में बैठना है, ताकि वहाँ से अगर वायरस लेके भी आता है तो वो अरुणाचल के किसी को ना लगे, वो अपना घर में अपना इसमें क्वारंटाइन फैसिलिटी होटल हो या जो हम लोग फैसिलिटी देगा उसी में बैठ के उनका टेस्ट होगा, उसी में अगर वो क्लियर होता है जैसे मेडिकल साइंस का एडवाइस के अनुसार, अगर एक बार टेस्ट या दो बार टेस्ट में निगेटिव होता है तो भी वो घर जाने मिलेगा, अदरवाइज़ वो बैठना पड़ेगा, और उसको पॉजिटिव हो गया तो वो ट्रीटमेंट भी होगा। इसलिए अगर पॉजिटिव आ भी गया, अगर लोग घबराना नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ मेंटेन कीजिए। और बाकी जो 144 पे थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ, 144 7 PM तक चलता है, 7 PM से सुबह का 5 AM, तो इस पर आप कोई आना जाना नहीं करना है जब तक आपका कोई सीरियस बिजनेस ना हो, मेडिकल इश्यू ना हो, और आप एसेंशियल सर्विसेज में ना हो, और आपका डिलीवरी केसेस ना हो, अदरवाइज़ बिल्कुल आप मूव ना करें, क्योंकि दिन को भी आपको जाने का अलाउ कर रहा है, तो नहीं तो फिर दिन को अलाउ करने का मतलब ही नहीं होता है। थैंक यू। तो सर, आप जैसे मेंशन किए थे कि जो हिम पे क्राउड था और ये बैंक पे भी क्राउड था, तो काफ़ी सर उन लोगों से कंप्लेन आया था कि पुलिस ने अच्छे से मेजर नहीं लिया, उन्होंने स्ट्रिक्टली देखा नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अब पुलिस को ज़्यादातर बोला। देखिए, पुलिस अगर मैं कोई मीडिया ने मुझे पूछा, अगर आप 1000 आदमी वहाँ में क्राउड है और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता है, और पुलिस अगर हमारा 4-5 गया, वो कैसे करेगा? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना पुलिस कर रहा है ना, पब्लिक कर रहा है, पब्लिक तो कर रहा है, और पुलिस को क्यों बदनाम कर रहा है? पब्लिक आप अपना से ध्यान दीजिए, अपना से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा आपको ही लगेगा, हम लोग को नहीं लगेगा, हम लोग को तो इधर खड़ा रहता है ड्यूटी में, लग रहा है पुलिस को भी बहुत लग रहा है। जो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेगा, जो इतना क्लोज में रहेगा उसको ही लगेगा, जो घर में बैठा है उसको नहीं लगेगा वायरस। सर, क्योंकि पब्लिक को लग रहा है कि उन लोग अभी ग्रीन जोन पे है, तो उन लोगों को कम चांसेस है लगने का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम चांस होना है उसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल चांस नहीं है, तो 1% चांस भी है तो उसको भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये वायरस जो बहुत डेंजर फैलता है, अगर उसमें 1000 आदमी में से एक आदमी भी अगर वायरस वाला होकर घूम रहा है, उसका सिम्टम नहीं दिखाई देता है, ये पब्लिक को जानना चाहिए कि बिना सिम्टम होके भी घूमता है वायरस होके, तो उसमें 1000 आदमी एक दिन में लगेगा तो क्या होगा देश का और स्टेट का, सोच के देखिए, एक दिन में अगर इतना क्राउड में होना, बाकी स्टेट में इतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके भी उधर भी इतना लग रहा है, तो इसलिए अभी हमारा बाहर से आने वाला वायरस लेके आने का बहुत चांस है, और आ भी गया होगा क्योंकि बहुत लोग आ चुका है, और ये भी एक ध्यान देने वाला, डॉक्टर लोग का कहना है कि 2 बार निगेटिव निकालने से भी 3रा बार में कोई कोई, और 4th time में भी कोई कोई पॉजिटिव निकल रहा बोला, ये बहुत रिस्की है, तो हर आदमी को फिर 4 time 5 time टेस्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि टेस्टिंग का भी किट्स ये सब उसका भी लिमिटेड है, और बहुत थाउजेंड्स में अभी बाहर से आ रहे हैं,